देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बेहद अच्छी खबर आ रही है। एनडीटीवी के मुताबिक भारत में तैयार की जा रही कोरोना वायरस की वैक्सीन को 15 अगस्त के मौके पर लॉन्च किया जा सकता है। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा गया है, जिसे भारत बायोटेक और ICMR मिलकर लॉन्च कर सकते हैं। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत बायोटेक की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए DCGI की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है।